हेलो दोस्तों, लर्न बेसिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एज को ब्लैंक कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, ब्लैंक से मेरा मतलब कि जैसे कि आप देख रहे हैं सामने माइक्रोसॉफ्ट एज का पेज ओपन है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सजेस्टेड कॉन्टेंट शो कर रहा है आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत सारे न्यूज़ या टॉप साइट्स होती हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे, यहाँ सजेस्टेड कॉन्टेंट जो होता है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये सारा पेज अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो वो हम कैसे ओपन करेंगे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, राइट हैंड साइड में देखिए हाइड फीड करके एक ऑप्शन आपको शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए हाइड फीड, उसके बगल में एक चक्री सी बनी हुई है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखा रहा है, टॉप साइट्स एंड माई फीड, टॉप साइट्स एंड ब्लैंक पेज। इस ब्लैंक पेज को सेलेक्ट करिए और यहाँ से सेव कर दीजिए, आपका जो पेज है वो एकदम ब्लैंक हो जाएगा। अब इस पर कोई भी कंटेंट नहीं सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको मान लीजिए ये जब आप ओपन करें बार बार ये ब्लैंक ही चाहिए, मतलब कि ऐसा क्या होता है जैसे कि आप मान लीजिए जब इसको दोबारा से ओपन करेंगे तो ये फिर से आपके जो कंटेंट है सजेस्टेड कंटेंट या टॉप साइट्स जो होता है वो शो करने लगेगा। अगर आप इसको परमानेंट हटाना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए ये थ्री डॉट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए थ्री डॉट दिया हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करिए उसके बाद नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब सेटिंग का ऑप्शन में आपको यहाँ कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे हमें जाना है टॉप साइट एंड सजेस्टेड कंटेंट, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर जब आप नीचे क्लिक करेंगे तो ये देखिए तीन ऑप्शन दिखा रहा है, टॉप साइट, सजेस्टेड कंटेंट, टॉप साइट्स एंड ब्लैंक पेज। ठीक है, इस पर ब्लैंक पेज सेलेक्ट करिए, उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। अब जब भी आप कोई भी नया टैब ओपन करेंगे तो ये हमेशा ब्लैंक पेज ही ओपन करेगा। ये देखिए अब यहाँ पर कोई भी कॉन्टेंट आपको शो नहीं कर रहा है, ना कोई टॉप साइट्स जो है वो आपको शो कर रही है।